बीते 30 जुलाई को मुफसिल थाना क्षेत्र के गप्पई निवासी लक्ष्मण विश्वकर्मा और उनकी पत्नी सुखनी देवी को पड़ोस के लोगों द्वारा मामूली विवाद को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद थाना में इसको लेकर अब भुक्तभोगी परिवार द्वारा आवेदन भी दिया गया, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मारपीट करने वाले आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी को लेकर भुक्तभोगी परिवार पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से आवेदन के माध्यम से आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी देते हुए भुक्तभोगी लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया कि 30 जुलाई को मामूली बात को लेकर पड़ोस के उपेंद्र शर्मा, भोला सिंह, देवंती देवी, बिंदिया देवी, विकास शर्मा द्वारा जान से मारने की नीयत से लाठी तलवार से मेरी पत्नी सुखनी देवी को मार पीट किया गया। उन्होंने कहा कि पत्नी को बचाने के दौरान उपेंद्र शर्मा द्वारा मेरे ऊपर तलवार से वार किया, साथ ही लाठी से वार करने के कारण दाएं कंधे पर गहरी चोटें आई है। घटना के बाद आनन फानन में हम दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। भुक्तभोगी लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया कि इलाज कराकर धनबाद से लौटने के बाद देखा गया कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सभी खुलेआम घूम रहे हैं, साथ ही दोबारा उन लोगों द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि जान से मारकर फेंक देंगे। भुक्तभोगी ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।